किसी पुरानी एल्बम में अपनी कोई तस्वीर देखना, या फिर अपने मोबाइल की गैलरी में कोई 4-5 साल पुरानी फोटो देखना, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। कितने सही लगते थे यार हम, कितना फिट हुआ करते थे, कितने मस्त दिन थे वो। काश फिर से हम वही जिंदगी फिर से जी सके। काश के 5-6 साल पीछे चली जाए जिंदगी। 5-6 साल की वो फोटो उस समय की गोल्डन मोमेंट लगती है जब वो क्लिक हुई थी। लेकिन जब वो क्लिक हुई थी तब हमें इस बात का कोई भी एहसास नहीं था कि ये हमारा गोल्डन मोमेंट है। वैसे ही अगर आप आज ट्रैवल करोगे, अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाकर फोटो खींचोगे और 5-6 साल बाद वही फोटो देखोगे तो आपके चेहरे पर वही मुस्कान फिर से आ जाएगी। यही सोच के साथ हम तीन निकल पड़े नाको से काजा। दरवाजा खोलोगे, इतना बड़ा बालकनी एंड द व्यू, और क्या चाहिए जिंदगी में बताइए। ठीक है, ओके लवली पीपल, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको। दिस इज द डे 5, वी आर स्टेइंग एट नाको राइट नाउ। ठीक है, आज कल रात को हम पहुंच गए थे, वैसे ही शाम हो गई थी पहुंचते। अभी टाइम हो रहा है 8:30 अराउंड 9 समथिंग अराउंड। ठीक है, तो आज का जो प्लान है हमारा वो वी हैव टू एक्सप्लोर नाको विलेज। वो पूरा नाको विलेज है। ठीक है, नाको लेक भी जाएंगे, टाबो होते हुए विल रीच आवर मेन डेस्टिनेशन काजा। लेट्स गो ऑन, फीलिंग द फ्रेश एयर, इतना बढ़िया सांस लेने में मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब ना कुछ पॉल्यूशन, ना कुछ कुछ नहीं है भाई, सांस बढ़िया। कल का वो पिछले वाला व्लॉग देखा कि नहीं, इतने बढ़िया रोड है भाई। ठीक है, ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे आपके पास, एंजॉय करते रहना। लेट्स हैव सम ड्रोन शॉट्स। या वी गो, सीधा ले जा आगे। नहीं यार, पहले ऊपर उठा, ये चला ऊपर ड्रोनी।
मजा आया ना ड्रोन शॉट्स? सो दिस इज नाको फॉर यू। ठीक है, तो अभी जल्दी से फटाक से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। नाको विलेज एक्सप्लोर करना है एंड देयर इज ए नाको लेक, द फेमस लेक। ठीक है, सैक्रेड लेक बोलते हैं उसे, तो वो एक्सप्लोर करना है। देन वी हैव टू गो टू टाबो, टाबो से हम सीधा काजा निकल जाएंगे, विच इज़ आर मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्पीति सर्किट। ठीक है, फिर स्पीति में काजा में हमें रहना है 2-3 दिन, ऐसा कुछ प्लान है। ठीक है, जल्दी से फटाक से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ओके लवली पीपल, सो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, दिस इज़ द होटल वी हैव स्टेड लास्ट नाइट, स्नो वाइट होटल एंड रेस्टोरेंट नाको हिल। और इतना बढ़िया होटल है, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा, जब भी आप नाको की तरफ आओ प्लीज़ स्टे हियर, इतना बढ़िया एकोमोडेशन है, मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं नाको लेक, नाको लेक के बाद हम दोबारा आएंगे यहाँ पे अपना सामान वगैरह लेके, फिर हम निकल जाएंगे टाबो की तरफ। ठीक है, जल्दी से फटाक से निकलते हैं, फिर रास्ते में बतियाते हैं। ठीक है जी, ओके। हो भाई साहब, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ गुड मॉर्निंग टू मी एंड ऑल ऑफ यू गाइस। कसम से यार, पहाड़ों का गुड मॉर्निंग अलग तरीके का होता है भैया। सुबह उठो और ये नज़ारे देखो, मतलब क्या ऑसम फीलिंग होती है, गजब गजब। वेलकम टू नाको विलेज, सो दिस इज द विलेज ऑफ नाको गाइस, फॉर ऑल ऑफ यू। ओ मैन, व्हाट अ विलेज, फार्मिंग भी हो रखी है नीचे वहां पे। ये इतने पतले रास्ते, दिल भी कहीं है पहाड़ों में, डगी क्या हो गया, रॉकेट की तरह गया भाई। वाओ, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ विलेज, सी द व्यू है। ओ भाई, ये तो बहुत ऊपर है भाई। आंटी जी, नाको लेक, लेक नीचे, चलो भाई घुमा। हाँ, तो यहाँ से कैसे घूमेगा भाई। ओके गाइस, वहाँ पे हमारी बाइक्स पार्क हो चुकी हैं। ठीक है, नाको लेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ड्रोन कैमरा हेलमेट सब पकड़े हुए। ये जो पतला वाला सीढ़ी जा रहा है, वो मिश्रा और भवानी जा रहे हैं वहाँ पे, ये वही रास्ता है। सीढ़ियों से नीचे उतर के हमें पहुंचना है लेक के पास। ठीक है भाई, ये है रास्ता नाको लेक तक जाने का, वो दिख रहा है यहाँ से लेक वैसे। ठीक है, चलते हैं लेक के पास, फिर दिखाते हैं आपको व्यूज। गाइस, दिस इज नाको लेक फॉर यू, पहाड़ों के ऊपर स्पीति वैली के अंदर। दिस इज नाको लेक विलेज, दिस इज द नाको विलेज सराउंडेड। ठीक है, और ये बीच में एक प्यारा सा एक लेक है। लेट्स हैव सम ड्रोन शॉट्स। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये गांव फेमस है अपने सैक्रेड लेक के लिए। 11,800 फीट में बसा ये गांव, जहां की पॉपुलेशन लगभग 800 लोगों की है, जिस लेक को यहां के लोग पूजा करते हैं। यहां ज़्यादातर घर मड के बने हुए हैं, इसीलिए यहां के घरों को मड हाउस के नाम से भी बुलाते हैं।
और ये विलेज इंडो चाइना बॉर्डर से सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। स्पीति वैली शुरू होने से पहले ये विलेज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा विलेज है। नाको ओहो, क्या सीढ़ियाँ थी यार। ये हाई ऑल्टीट्यूड के कारण थोड़ा सा थक गए। नाको लेक आप लोगों ने देख लिया, अच्छा सा लेक है। इतने हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर नाको में इतना प्यारा सा लेक होना वो भी बड़ी बात है भाई। ओके, लोडेड हो चुके हैं हमारे सामान। ये देखिए सब कुछ सेट है। स्नो वाइट होटल को अलविदा बोलते हुए निकल रहे हैं काजा की तरफ। ब्यूटीफुल नेचर, स्नो वाइट माउंटेन्स। ठीक है, ओ तेरे, निकलते हैं जल्दी यहाँ से। 2.5-3 घंटे दिखा रहा है, रुकते रुकते चलेंगे अपन। जय जगन्नाथ, निकलते हैं। बढ़िया रोड मिलेंगे, ऑफ रोड भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा इस आज के डे में। चलो भैया, चलो चलो, जय जगन्नाथ। हो, सी द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, स्नो पक माउंटेन्स। हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन, लवली डे एंड ब्यूटीफुल रोड्स। ओ भाई, चढ़ाई आ गए भाई, चढ़ाई, हाई ऑल्टीट्यूड। तीसरे गियर में खींच भी नहीं रही भाई, दूसरे गियर में चलाना पड़ रहा है, बताओ। चैंगो इज 21 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड दिस कर्वी टर्निंग्स। ओ भाई, व्यू देखो भैया, व्यू देखो। नीचे से भी हमने, मतलब जब हम नीचे थे पहाड़ के, तब भी दिखाया था ये व्यूज। अभी ऊपर है, ऊपर की तरफ से व्यू देखो भैया, गजब गजब गजब। वो सामने वाला, वो वाला कितना वाइट वाइट है, वहां पे ज्यादा स्नो पड़ी है। एंड द हाइट इज 12,474। ओ भाई, क्या रोड है भाई, पत्थर पत्थर, ये तो गजब का रोड है यार। उस तरफ जाना पड़ेगा लग रहा है। ब्रो ब्रो ब्रो, मतलब बी आर ओ। तेरे 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 तेरे, कहाँ से जाएं?
रिवर क्रॉसिंग। लिटिल बिट ऑफ एडवेंचर हो गया वहां पे। काजा रह गया है यहां से 100 किलोमीटर। मून लैंड, मतलब जैसे मार्स वगैरह मून में जैसे नहीं होते वैसे लग रहा है यहाँ पे। मैन सी द रोड देख रहे हो आप वहाँ पे, ओ हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम मार्स में आ गए। ओ हो, कर्वी टर्निंग्स, कर्वी चबी। ओ मैन, एक टर्निंग की हमारा व्यू ही बदल गया भाई साहब, गजब। और जिनको नेचर से प्यार हो ना भैया, वो कुछ नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते। जैसे कि मुझे, मुझे नेचर से बहुत प्यार है भाई, बहुत प्यार है। इसलिए तो मैं खासकर, मतलब अक्सर कभी भी मेरे को ब्रेक मिलता है तो मैं पहाड़ों में आना पसंद करता हूँ। समंदर का क्या है, बोला था ना मैंने, समंदर तो अपने घर के पास ही है, कभी भी चले जाओ होम टाउन में। बट नॉर्थ में आके हर बाइकर का सपना होता है। नॉर्थ क्या मतलब, आप कहीं भी रहो इंडिया में, इवन हमने ये भी देखा है कि मतलब तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, इन सब स्टेट्स में से बाइकर्स अपने बाइक लेके लद्दाख एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पीति एक्सप्लोर कर रहे हैं। अमेजिंग मैन, उतना गट्स भी होना चाहिए और उतना जुनून भी होना चाहिए। ओ हो, बैंकर वाली धूप है बट हवा भी बहुत तेज है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड विंड is totally magical man, it's a great feeling, you know. ये सारे flags देख के ना मेरे को बहुत अच्छा सा feeling आता है, पता है। देखो भैया, नाको का views कैसा लगा ये बताना मेरे को comment section में जरूर, मेरे को पढ़ना है, ठीक है जी। नाको का व्यू मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक ऊपर देख रहे हो मंदिर, जय माता दी। वाओ मैन, व्हाट अ व्यू, व्यू व्यू देखिए भैया, नजारे देखिए, नजारे। विश यू a happy and pleasant journey bro, 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 thanks bro. और साइड में देखो ये काला वाला पहाड़, कालू। ऑलवेज अलर्ट, अवॉइड एक्सीडेंट bro, थैंक्स bro. साला पूरा धूल कर दिया। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम मार्स या मून लैंड में आ चुके हैं। देखो भैया, ये बड़े पहाड़, ये बड़े पहाड़, शूटिंग स्टोन एरिया। अरे निकल लो भैया ब्रो, थैंक्स ब्रो। चट्टीनाड़, चट्टीनाड़, ये देखिए भैया, स्पीति रिवर,
ओ मैन, तो पहाड़ देखो यार, पूरा ब्लैक कलर पहाड़ है ये। ओ मैन व्हाट, ओ हो 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 हो, गजब का पहाड़ है भाई। ये दूर से इतना काला लग रहा था, पास आके देखो और काला लग रहा है। कालू ये देखिए भैया, स्पीति रिवर। ये देखिए भैया, गजब गजब। यहां से पूरा सनलाइट नहीं है, बादल घिरे पड़े हैं पहाड़ों में, उधर से पूरा सनलाइट है। ये देखिए, यहां से पूरा बादल, वहां से पूरा सनलाइट, गजब का कॉम्बिनेशन है। ओ मैन, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे व्यूज भी इतने प्यारे होते जा रहे हैं। ओ मैन, सी द व्यू यार, सी द व्यू, गजब गजब। ओ मैन, मैं अब क्या ही बोलूं, क्या ही बोलूं मैं, देयर इज नो वर्ड्स ऑफ दिस ब्यूटी। आप बस देखते रहो यार, मैं खुद देख के इतना मस्त लग रहा है यार। ओ माय माय माय, स्पीचलेस। मतलब इंडिया में ऐसा भी कोई जगह है भाई, हाय इतने पहाड़ देखे, इतने पहाड़ों में घूमा, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओ मैन, ओ मैन, वो वाओ यार, गजब गजब, क्या ब्यूटी है यार। देखो भाई लोग, मेरी बात मान लो, एक बार स्पीति करके आओ, मेरी बात मान लो भैया, ठीक है। आप मतलब मेरे थ्रू तो आप देख ही रहे हो, बट जब आप खुद आकर देखोगे ना ये सब चीजें अपनी खुद के आंखों से, ओ मैन, दैट वुड बी लाइक हेवन। हो 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 हो, स्पीड मस्ट बट सेफ्टी फर्स्ट। काजा 81 किलोमीटर से रह गया। चट्टीनाड़, क्या व्यू है यार। ये स्पीति रिवर, ई स्पीति रिवर बह रही है, ई स्पीति रिवर है ना। ओ माय गॉड, व्हाट ए लोकेशन, देख रहे हो नीचे स्पीति रिवर बह रही है, ये पूरा स्पीति रिवर है। व्हाट ए लोकेशन मैन, दैट द बीच में स्नो पीक माउंटेन्स। ओ माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटी, क्या गजब का लोकेशन है यार, क्या गजब के व्यूज हैं एक्चुअली। वाओ मैन, एंड दिस इज द पावर ऑफ, एंड दिस इज स्पीति रिवर, बह जा रही है पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ तक, ठीक है। यह एक अच्छा सा लोकेशन दिखा, ये हमारी तीनों की बाइक्स, मिश्रा, भवानी, ये पिकाचू। ओह माय गॉड, व्हाट ए व्यू मैन, व्हाट ए व्यू। ऑसम व्यू, ऑसम लोकेशन। चलो भैया चलते हैं आगे, आगे का भी आपको व्यूज दिखाते हैं, जबरदस्त। ओहो, हवा बहुत तेज है यार। सामने आप देख रहे हो बोर्ड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, ठीक है। एंड नीचे लिखा है वेलकम टू स्पीति वैली। ये एक्चुअली सुमडो है, सुमडो का पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस।
वेलकम टू स्पीति वैली। ओके, इस तरफ जाओगे तो गिव टेंपल आ जाएगा, द गिव विलेज इस तरफ, वेलकम टू गिव विलेज, और इस तरफ काजा की तरफ। ठीक है जी, गिव विलेज आते टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। रोड थोड़ा सा टफ है, मैं कहूंगा नहीं कि मतलब पीछे जो जो जिस रोड से हम आए थे वो तो पूरा मक्खन वाले रोड थे भैया, देख रहे हो रोड, देखो भैया यहाँ पे, भैया सावधानी घटी दुर्घटना घटी, ऐसा सीन है यहाँ पे। ओ भाई साहब, देख रहे हो कितना कुछ कर रहे हैं आप सबके लिए, इतने प्यारे प्यारे रोड्स पे, इतने खतरनाक वाले रोड्स पे, इतने एडवेंचर कर रहे हैं आपके लिए, आप भी तो कुछ कर लो भैया। वो चट्टान है देखो, वो सामने गजब,